हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड टॉक। आज बनाते हैं एक शाम का स्नैक्स जो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बना है। बहुत गर्मी का टाइम चल रहा है तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले ठंडाई, जिसके लिए मैंने दूध उबाल दिया है। अब यहाँ पे मैं आलू की पकौड़ी बना रही हूँ और इसमें मैंने पुदीना यूज़ किया। पुदीना से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और एक अलग तरह का टेस्ट इन्हेंस भी होता है। इसे हमारे तरफ बचका भी बोलते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट बना है। यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, सूजी लिया है, सारे बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और साथ ही साथ कसूरी मेथी लिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे और इसे इतना फेंटेंगे, इतना मिक्स करेंगे ताकि इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाए। इस तरह से कंसिस्टेंसी इसकी बनानी है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर इसमें इसे इस तरह से इसका पेस्ट बैटर बना लेना है। ये है तो बहुत इजी ऑप्शन, लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आता है क्या बनाए। गेस्ट को सर्व करते हैं, बच्चे भी इसे बहुत मन से खाते हैं और बहुत आसानी से बन भी जाता है। घर में अगर कुछ भी ना हो, सिर्फ आलू हो और कुछ ये सब बेसिक चीज़ें हो तो भी हम बना लेंगे। आलू यहाँ पे ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा यूनिफॉर्म शेप का गोल आलू लेंगे, बड़ा आलू लेंगे ताकि हमारी स्लाइसिंग बड़ी बड़ी हो। इसे बहुत पतला चिप्स जैसा नहीं काटना और बहुत बहुत मोटा भी नहीं काटना है कि ताकि ये पके नहीं। ये एकदम मीडियम साइज़ का इस तरह से काटना है और इसे बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने का मतलब है कि इसे पानी में इतना धोना है कि इसका सारा स्टार्च निकल जाए, मतलब ये जो पानी ट्रांसलूशेंट है वो कम से कम ट्रांसपेरेंट हो जाए। जैसे देख रहे कितना क्लियर पानी दिख रहा है, आलू अच्छे से दिख रहा है। अब यहाँ पे हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और तेल गरम करेंगे। कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल से लेकर रिफाइंड ऑयल, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छी सी कोटिंग देकर यहाँ पे इसे छानेंगे और जैसे हम डाल के इसे कम आँच पे करें ताकि आराम से आलू अंदर का सॉफ्ट हो जाए, पक जाए। जब ऐसा लगे कि पकौड़ी अच्छे से अंदर से पक रही है तो थोड़ी तेज़ आंच करके इसे लाल होने देंगे ताकि अच्छा कलर आ जाए। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया, बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये देखने में। यहाँ पे दूध भी मेरा ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका था। अब यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ली हूँ जिसमें काजू है, बादाम है और पिस्ता है। इसे बहुत ही रफली कट कर लिया है मैंने, रफली चॉप कर लिया है और इसे दो हिस्सों में बांट दिया है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया है, वही गर्म दूध, और जो रफली चॉप ड्राई फ्रूट्स है उसे मैंने डाल के यहाँ पे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और कुछ आधे ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाल दिए ताकि वो दूध के साथ साथ सॉफ्ट हो जाए। चीनी स्वाद अनुसार मिक्स कर लेंगे जितना रिक्वायरमेंट है। कलरी यहाँ पे मैं अब यहाँ पे जो ग्राइंड की थी मैं मिल्क और ड्राई फ्रूट्स को, उसे मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये थोड़ा सा और थिकनेस देता है। अब यहाँ पे मैं ठंडी पाउडर यूज़ करी, ऑलमोस्ट 1.5 चम्मच यूज़ किया है। ठंडाई का कलर थोड़ा और इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर यूज़ किया है। अब देख रहे कितना अच्छा कलर इसका होकर आया है। जैसे ही ये पूरी तरह से अच्छे से फिर से एक बार बॉईल हो जाए, इसे बंद करके मैंने इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया। अब यहाँ पे हम प्लेटिंग की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैबेज को पतले स्लाइसिंग में कट कर रही हूँ। ये जस्ट मैं थोड़ा सा सैलेड और एज अ फाइबर ऐड कर रही हूँ ये आलू के बचके में, क्योंकि ये आलू का बचका है, आलू है और साथ ही साथ ये फ्राइड है, डीप फ्राइड है, तो ये कैबेज का सैलेड इसे थोड़ा सा बैलेंस करेगा और ये आलू का बचका बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं इसे सर्व करती हूँ ग्रीन चटनी के साथ। ये नॉर्मल धनिया पुदीने की चटनी है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें स्प्रिंकल कर रही हूँ चाट मसाला, जो इसे और चटपटा और टेस्टी बनाएगा। अब गर्मियों का मौसम है तो चाय के बदले हम यहाँ पर सर्व करते हैं ठंडी। इफ़ यू लाइक दिस कॉम्बिनेशन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।